अजमेर में बिगड़ती पेयजल और विद्युत आपूर्ति के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। धरने में लगे बीजेपी हाय हाय के नारे। सांसद रघु शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का विशाल धरना प्रदर्शन। कुछ ही दिन पहले सांसद रघु शर्मा द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें बताया गया था कि शहर में काफी समय से पेयजल और बिजली की कटौती की दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से शहरवासियों को परेशानी हो रही है। सांसद रघु शर्मा ने चेताया भी था कि अगर इस समस्या का जल्द ही हल नहीं किया जाता तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और आज कांग्रेस पार्टी ने समस्या न हल होने पर भारी धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन नवंबर तक किसी को पैसा हम रहने देंगे क्या? कांग्रेस चाहे सत्ता में है तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना जानती है, और कांग्रेस अगर सत्ता के बाहर है तो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना जानती है। कांग्रेस इस बात को सुनिश्चित करेगी सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में कि राजस्थान में जहां जहां भी पेयजल की संकट है, जहां जहां बिजली की अघोषित कटौती कर रही है सरकार, जहां जहां अत्याचार और अन्याय हो रहा है, हम जनता की आवाज बन के सड़कों पर उतरेंगे। और आज कह रहा हूं, मैंने कलेक्टर साहब को मिला था, मैं हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ, हमारे दोनों अध्यक्षों के साथ मैंने कहा था कि आपको हम 10 दिन का टाइम देते हैं, 10 दिन में आप सब व्यवस्थाएं, चाहे जयपुर बात करो, मुख्यमंत्री से बात करो, सरकार से बात करो, अधिकारियों से बात करो, ये हालात सुधरनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि अखबारबाजी हुई, व्यवस्था नहीं सुधरी। अगर सरकार संवेदनशील होती तो ये बताइए, राजस्थान में अप्रैल में, मई में, जून में ये गर्मी हर साल पड़ती है, हर साल पानी की दिक्कत आती है कि नहीं आती है। लेकिन अगर सरकार जागरूक है तो दिसंबर में प्लानिंग करती है कि अप्रैल में कैसे पानी के संकट से दूर हम आम आदमी को राहत पहुंचाएंगे। पानी और बिजली, ये दो समस्याएं हैं जो आज पूरा जिला जिनसे परेशान है। गांव में 8-8, 10-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा है, बिजली काट देते हैं, कोई सूचना गांव वालों को देते नहीं है, ये तो नहीं हट रहे, पूरे आ रहे हैं, जेबें कट रही है लोगों की, लेकिन ना पानी मिल रहा है ना बिजली मिल रही है। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया 8-10 दिन पहले कि आपको हम टाइम दे रहे हैं, ये जो बिगड़ी हुई समस्या है पानी की और बिजली की, इस समस्या का समाधान आप करके दो, वरना मजबूर होके कांग्रेस पार्टी को आंदोलन करना पड़ेगा। इन्होंने कुछ किया नहीं, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सरकार नाम की चीज राजस्थान में ऐसा लगता है कि है ही नहीं, क्योंकि राजस्थान की जनता प्यासी मर रही है, राजस्थान की जनता बिजली कटौती से परेशान है। पूरा अजमेर जिला आज भीषण पेयजल के संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कांग्रेस जनता की आवाज बन के आज सड़कों पे है। आगे क्या रहेगा? आगे भी यही रहेगा, अब जब विधानसभा मुख्यालयों पर इसी तरह के धरने होंगे, फिर हम वहाँ प्रशासन के अधिकारियों का घेराव करेंगे, जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। जब तक जनता की प्यास ये सरकार नहीं बुझाएगी, कांग्रेस सड़कों पे लड़ती रहेगी। जी भैया, आज हमारे सांसद रघु शर्मा जी के नेतृत्व में पानी में बिजली पे हमने विरोध प्रदर्शन किया है। शहर में, सारे जिले में जो बदतर हालत हो रखी है, उस कारण से आज विरोध प्रदर्शन किया है, और मेरा मानना है कि इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए, और अगर सुनवाई नहीं होती है तो इससे भी बड़ा कदम हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे किया जाएगा। मेरा ये सबसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसकी तुरंत प्रभाव से इसकी कार्रवाई की।